अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू MR नॉलेज सेंटर। आज के दिन हम पाकिस्तान जनरल नॉलेज के MCQs पढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टडी MCQs फॉर ऑल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पे 3-4 वीडियो बनाई हैं। ये MCQ पाकिस्तान जनरल नॉलेज के MCQs की Part 1 वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो MR नॉलेज सेंटर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। हु स्टार्टेड द फर्जी मूवमेंट? फर्जी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्ला ने, ऑप्शन बी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन सी मौलाना एम अली जौहर ने, ऑप्शन डी सर आगा खान ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्ला ने स्टार्ट की थी। सवाल नंबर 2 है, द कशफुल महजब वाज रिटन बाय? कशफुल महजब किसने लिखी थी? ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए हज़रत अता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ऑप्शन बी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ऑप्शन सी मौलाना शिबली नुमानी ने, ऑप्शन डी मौलाना जकीउल्ला ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हज़रत दाता गंज बख्श ने कशफुल मौजब लिखी थी। हु रिव्यूड द फेमस बुक द इंडियन मुस्लिम्स इन 1872? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन बी सर विलियम विल्सन हंटर ने, ऑप्शन सी एम दिलावर हुसैन ने, ऑप्शन डी जोहान किंग फेयरबैंक ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड ऑन? 1858 एक्ट इंडिया में कब पास हुआ? ऑप्शन ए 2 अगस्त 1858, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1858, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1858, ऑप्शन डी 3 जून 1858। इसका सही ऑप्शन है 2 अगस्त 1858। द बुक खुतबत ए महदिया अहमदिया इज़ रिटन बाय? खुतबत ए अहमदिया किसने लिखी थी? ऑप्शन ए डॉक्टर सफदर महमूद, ऑप्शन बी अब्दुल हलीम, ऑप्शन सी सर सैयद आमिर अली, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 13 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलाहाबाद का खिताब कब किया? इन 1929, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1913 को, ऑप्शन सी 1931 को, ऑप्शन डी 1932 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1930 को। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर? आज़ादी के वक़्त कश्मीर में किस मेजॉरिटी की अक्सरियत थी? ऑप्शन ए मुस्लिम, ऑप्शन बी हिंदू,
ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी क्रिश्चियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुस्लिम की मेजॉरिटी थी कश्मीर में। विच स्टेट वॉज अटैक्ड बाई इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948? ऑप्शन ए स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी स्टेट ऑफ मानावाडर, ऑप्शन डी स्टेट ऑफ जूनागढ़। इंडिया ने 1948 में स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन पे हमला किया था। इन विच ईयर द कश्मीर स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट? ऑप्शन ए 1940 को, ऑप्शन बी 1930 को, ऑप्शन सी 1920 को, ऑप्शन डी 1928 को। कश्मीर ने एहतजाज शुरू कर दिया था डोगरा रूल के खिलाफ 1930 में, बरज़ाहिर की आज़ादी से पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड? इनमें से किस शहर में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी खानपुर में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडियन कांग्रेस मुंबई में बनाई गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड? इनमें से किस शहर में मुस्लिम लीग बनाई गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी ढाका में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ढाका में बनाई गई थी। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल के पार्टीशन के वक़्त इंडिया का वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड मेंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड अल्जन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सदर कौन था? ऑप्शन ए सर आगा खान, ऑप्शन बी नवाब वकारुल मलक, ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्ला खान, ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सर आगा खान। इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टशिप बिल वाज पास्ड? अलीगढ़ का ट्रस्टशिप बिल कब पास हुआ? ऑप्शन ए 1886 को, ऑप्शन बी 1887 को, ऑप्शन सी 1889 को, ऑप्शन डी 1881 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1889 को। इन विच ईयर सैयद जमालुद्दीन अफगानी डेड? ऑप्शन ए 1895 को, ऑप्शन बी 1896 को, ऑप्शन सी 1897 को, ऑप्शन डी 1888 को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1897 को। जमालुद्दीन अफगानी फोत हुए थे। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ टीटू मीर? टीटू मीर का असल नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए निसार अली,
ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी नोन ऑफ देम। टीटू मीर का असल नाम निसार अली था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है या कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए खुंजरे पास, ऑप्शन बी खैबर पास, ऑप्शन सी लुची पास, ऑप्शन डी गोमल पास। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ खैबर पास कनेक्ट करता है, लुची पास चाइना के साथ कनेक्ट करता है। द हाइएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज ऑप्शन ए नागा पर्वत, ऑप्शन बी स्केसर, ऑप्शन सी मलका पर्वत, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक स्केसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, कौन सा पहाड़ी सिलसिला सिंध प्रोविंस में वाक़िया है। ऑप्शन ए हिमालया का, ऑप्शन बी कराकरम का, ऑप्शन डी करधर रेंज, ऑप्शन डी साल्ट रेंज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी करधर रेंज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। MR नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।